है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फुद्दू स्टफ। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप किस तरह से किसी भी व्हीकल की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। आप ये जान सकते हो कि ये गाड़ी कब रजिस्टर्ड हुई है और किसके नाम पे रजिस्टर्ड हुई है। तो गाइस, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप किस तरह से किसी भी व्हीकल की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो गाइस, किसी भी व्हीकल की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में आ जाना है, और मोबाइल में आ जाने के बाद गाइस आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। ठीक है, आप प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ प्ले स्टोर में ऊपर जो सर्च बार होता है, सर्च ऐप एंड गेम्स जो लिखा रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ सर्च बार में जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे RTO इंफॉर्मेशन। ठीक है, इन्फो लिख देंगे तो आ जाएगी। तो यहाँ व्हीकल RTO इंफॉर्मेशन करके आप सर्च कर लेंगे, उसके बाद ये वाली एप्लीकेशन आपको देख, ध्यान दीजिए, ये वाली एप्लीकेशन है, इसे आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। तो गाइस, मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो कोई नहीं गाइस, चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो गाइस कुछ इस तरह से ये इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर ऐड देखने को मिल सकता है, कोई नहीं गाइस, यहाँ पर आप कंटिन्यू टू ऐप है ऊपर, वहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ ऊपर में चेक मार्क दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हो, जैसे कि XYZ कुछ भी हो सकता है आपका डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हूँ, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको RC डिटेल का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर RC डिटेल, ठीक है, RC डिटेल पर आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है जो आपके RC पे दर्ज होगा, नहीं तो गाड़ी का जो नंबर होता है उसे रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं, तो आपको यहाँ पर वो डाल देना है। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सर्च पे क्लिक करना है, सर्च करना है। जैसे ही यहाँ पर गाइस आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो एक ऐड देखने को मिल जाएगा। तो गाइस कोई बात नहीं, आप इस ऐड को कम्प्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि इस ऐप की आप सर्विस ले रहे हैं तो आपको ये एक ऐड तो ज़रूर दिखाएगा। तो कोई नहीं गाइस, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप ऐड कम्प्लीट देख लेना, और उसके बाद गाइस हम आपको बताते हैं क्या करना है आगे। तो गाइस उसके बाद इस ऐड को रिमूव हटा देना है स्क्रीन से, चलिए वो मैं बताता हूँ, यहाँ से आप हटा दीजिएगा। उसके बाद सर्च पर क्लिक कीजिएगा गाइस, ये फिर सर्च होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक कर देना है, कुछ नहीं करना है। तो गाइस यहाँ पर आप नीचे में जाएंगे तो यहाँ पे आप ऑनर का नेम देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर सब दिखने और रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, फाइनेंसर कैश लिया गया है, तो सब कुछ देखने के, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कहाँ पर हुआ है, प्रतापगढ़ में हुआ है, ये सब आप देखने को मिल जाएगा। व्हीकल डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टार स्पोर्ट की गाड़ी जो भी है, व्हीकल क्या है, चेसिस नंबर क्या है, इंजन नंबर क्या है, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक सकते हैं गाइस, देख सकते हैं गाइस। उसके बाद इम्पॉर्टेंट डिटेल में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डिटेल में आपको रजिस्ट्रेशन कब हुआ है ये देखने को मिल जाएगा, और इसकी एज कितनी हो चुकी है इस व्हीकल की, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा गाइस। उसके साथ में अगर आप यहाँ पर चालान चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि चेक चालान पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, और यहाँ पर चालान आपको पता चल जाएगा, अगर कोई भी चालान होगा तो यहाँ पर आपको वो चालान पता चल जाएगा। जैसे कि इस व्हीकल पे कोई भी चालान नहीं है, तो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन, नो चालान डिटेल फाउंड, यहाँ पर लिख के आ गया है। तो गाइस कुछ इस तरह से आप किसी भी व्हीकल की डिटेल को निकाल सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उसके साथ में अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।